मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में रोजगार को लेकर किए गए संकल्प को अमलीजामा पहनाने के क्रम में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर परिवार के कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी या रोजगार से जोड़ना सुनिश्चित करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश में सभी परिवारों के सभी सदस्यों की स्किल मैपिंग का अभियान शुरू होने जा रहा है। स्किल मैपिंग के बाद आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण देकर वंचित लोगों को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में कोई भी परिवार रोजगार से वंचित नहीं रहेगा। सीएम योगी बुधवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वृहद रोजगार मेला एवं सेवायोजित प्रशिक्षणार्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय एवं राजकीय आईटीआई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्किल मैपिंग के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि कितने परिवार में सदस्य नौकरी से जुड़े हैं या सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर रोजगार कर रहे हैं। इसमें जो भी वंचित मिले उनका डाटा तैयार किया जाएगा। एक बार डाटा आते ही बचे परिवारों को विशेष कार्यक्रम से जोड़कर कम से कम उनके एक सदस्य को नौकरी व रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद युवाओं, उद्यमियों, हस्तशिल्पियों व कारीगरों के ऊर्जा व हुनर को पहचान देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंडअप, मेक इन इंडिया, मुद्रा आदि योजनाओं के क्रियान्वयन से युवाओं को पहली बार लगा कि सरकार उनके बारे में भी सोचती है। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के साथ ही डबल इंजन की सरकार ने केंद्र व राज्य की रोजगार परक योजनाओं को तेजी से बढ़ाया है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने बीते 5 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 1,61,00,000 युवाओं को MSME व उद्यमों में रोजगार से जोड़ा गया है। 60,00,000 हस्तशिल्पियों व कारीगरों को स्वतः रोजगार के लिए बैंकों से अनुदानित लोन उपलब्ध कराया गया है। इन सब का परिणाम पूरे देश के सामने है। वर्ष 2015-16 में यूपी में बेरोजगारी दर 18% से अधिक थी। कोरोना काल की चुनौती के बावजूद जबकि 40,00,000 प्रवासी कामगार व श्रमिक यूपी लौटे, बेरोजगारी दर करीब 16% घटकर अब महज 2.7% पर है। इस उपलब्धि में सरकार के प्रयासों के साथ युवाओं, उद्यमियों व कारीगरों की ऊर्जा व हुनर का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने की है। इस लक्ष्य में अपना योगदान देने के लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक ले जाना तय किया है। इस दिशा में उद्यमियों, कारीगरों, युवाओं के बल पर हमने तेजी से कदम भी बढ़ा दिए हैं। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 6वें स्थान पर थी। आज यह देश में 2रे पायदान पर है। बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय व GDP दोगुनी हो चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य करते हुए सभी लोगों को आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता दिखा रही है। केंद्र की अनेक योजनाओं के साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जुड़कर युवा, कारीगर व शिल्पी स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। युवाओं की उम्मीद के मुताबिक सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 में 80,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे हैं। इससे 20,00,000 लोगों की नौकरी की संभावना को आगे बढ़ाया गया है। इसी क्रम में पिछले दिनों MSME विभाग ने 1.90 लाख लोगों को बैंकों से जोड़कर उन्हें रोजगार हेतु ऋण दिलाया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि नवाचार आज समय की मांग है। हमें क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार जुड़ना होगा, उसके अनुरूप कार्य योजना बनानी होगी। इस अवसर पर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बनाए गए ड्रोन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 20 किलो का यह ड्रोन 1 एकड़ खेत में 7 मिनट में दवाओं का छिड़काव कर सकता है, जबकि मैन्युअली इस काम को करने में किसान को
एक दिन लग जाता है। उन्होंने कहा कि इस ड्रोन के लिए वह कृषि विभाग को इस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ MOU करने के लिए निर्देशित करेंगे। इससे खेती के काम में आसानी होगी और युवाओं के हुनर को नई पहचान व रोजगार से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अवसरों की कोई कमी नहीं है, बस युवा खुद को तैयार करें। विपत्ति में धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, इच्छा शक्ति से खुद को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ें। सरकार भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार कर रही है। सीएम ने बताया कि युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना लाई गई है। इसमें अंतिम वर्ष के छात्रों को इंडस्ट्री से जोड़कर उनके हुनर को और निखारा जाएगा। इस कार्य में कुछ पैसा सरकार देगी और कुछ इंडस्ट्री। युवा पढ़ाई के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक ब्लॉकों में एक एक नौजवान को मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत चयनित नौजवान को मानदेय, टैबलेट व आवासीय सुविधा प्रदान होगी। वह नौजवान विजिट कर ब्लॉक की प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराएगा। 100 ब्लॉकों के बाद इस योजना को 100 नगर निकायों में भी शुरू किया जाएगा। वृहद रोजगार मेले के आयोजन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले हर जिले में होने चाहिए। इस अवसर पर सीएम योगी ने सभी लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा फहराएं। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीयता की आन बान मान का प्रतीक होने के साथ ही शहीदों के प्रति सम्मान का भाव भी जागृत करता है। वृहद रोजगार मेले में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अनेक क्षेत्रों की भांति रोजगार देने में भी नंबर वन है। यह इसलिए संभव हो सका है कि योगी बेहद संवेदनशील हैं और सबकी चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे PM व CM की मंशा है कि युवा नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बने। उन्होंने कहा कि उनका विभाग सोलर सेक्टर व एविएशन सेक्टर में भी युवाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य योजना पर तेजी से काम कर रहा है। प्रमुख सचिव कौशल विकास सुभाष चंद्र शर्मा ने विभागीय कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 3 ऐसे वृहद रोजगार मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। करीब 136 कंपनियों ने 18,000 नियुक्तियों के लिए गोरखपुर के वृहद रोजगार मेले में रजिस्ट्रेशन कराया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह व आभार ज्ञापन कौशल विकास मिशन के निदेशक आंद्रे वामसी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल के पास लगे टेराकोटा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के ड्रोन स्टॉल, श्रम विभाग, कौशल विकास विभाग आदि के स्टॉलों का अवलोकन भी किया। ये सभी स्टॉल रोजगार और स्वरोजगार की जानकारी प्रदर्शित कर रहे थे। सीएम ने इन स्टॉलों को देख प्रसन्नता जताई। वृहद रोजगार मेले में सीएम योगी ने विभिन्न बड़ी कंपनियों में अलग अलग पदों पर नियुक्त हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके साथ उन्होंने विभिन्न योजनाओं से स्वरोजगार के लिए युवा उद्यमियों को 1.37 करोड़ रुपए का ऋण भी वितरित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र पाने वालों तथा स्वरोजगार के लिए ऋण प्राप्त करने वालों की जमकर हौसला अफजाई भी की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्री राम चौहान, प्रदीप शुक्ल, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद, MMMUT के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे समेत बड़ी संख्या में अधिकारी, युवा व गणमान्य जन उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री जी के सभागार में आगमन के समय अपने स्थान पर खड़े होकर कार्यक्रम के आरंभ में वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। कपिल देव अग्रवाल जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे माननीय विधायक के आयोजन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री योगी आदित्यनाथ जी, हम सभी हमारे माननीय सांसद एवं विधायकगण, अधिकारीगण, डीसी साहब और आईटीआई से हमारे प्रशिक्षु, शॉर्ट टर्म के कोर्स हम लोग चलाते हैं कौशल विकास मिशन में, जिसमें हमारे फ्लैगशिप पार्टनर्स भी हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, गवर्नमेंट की हमारी संस्था है, हम लोग गवर्नमेंट ट्रेनिंग पार्टनर्स कहते हैं। इन सब का मिला जुला प्रयास ये रहता है कि लगभग 10 लाख युवाओं को हम लोग प्रतिवर्ष ये रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। सर, मैंने अपने से प्रयास किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो नए नए कोर्सेज आए हुए हैं, न्यू एज जिसको हम कोर्स कहते हैं, उनमें एक ड्रोन आपके सामने इस प्रदर्शनी में लगा हुआ है। सर, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग लेकर के आए हैं आपके मार्गदर्शन निर्देशन में। जैसे जैसे मेरी सर आपसे जब भी बातें होती हैं, तो जो रोज की रोजमर्रा का काम है, जैसे मोबाइल का रिपेयर करने वाला बंदा नहीं मिलता है, टर्नर और हमारे जो प्लम्बर्स हैं वो सही संख्या में नहीं मिलते हैं। आजकल गैस पाइपलाइन जाती है, सर ने कुछ दिन पहले मुझे मार्गदर्शन दिया था कि पीएनजी गैस पाइपलाइन उसको ठीक करने वाले प्लम्बर्स नहीं मिलते हैं। तो सर, वो उन क्षेत्रों में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। नए कोर्स डिजाइन किए गए हैं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ड्रोन पायलट हम लोग कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नीशियन हम लोग करा रहे हैं। ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में उद्योग विभाग से एमओयूज करते करते ये कार्य हम लोग करते जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी सर आपके मार्गदर्शन से, चाहे वो सिंगापुर की गवर्नमेंट हो या यूएई की गवर्नमेंट हो या हमारे जर्मनी से हमारा तालमेल हो रहा है, तो ओवरऑल अगर इफेक्ट देखा जाए तो ये रोजगार प्रदान करने का एक मुहिम है, एक ऐसा हमारा एक मिशन है जिसको हम लोग उस मोड में चला रहे हैं। आज सर मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ कि आज इतने बड़े पैमाने पर ये मेले का आयोजन किया गया है। उम्मीद करता हूँ इसमें लगभग 35-40% बच्चों को विभिन्न इन कंपनियों के माध्यम से हम लोग जॉब प्लेसमेंट कराएंगे। 7-8 हज़ार लोगों को अगर हम आज रोजगार देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो हम करने जा रहे हैं। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री, माननीय मंत्री जी, सम्मानित सभी विधायकगण, मंचासीन सभी अतिथिगण, सामने बैठे हुए सभी हमारे भारत के भविष्य, मीडिया से आए हुए सभी साथी, सभी अधिकारी बंधु, मित्रों, हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है जब से इस देश में हमारे सचिव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और विशेषकर जब से उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। मित्रों, लगातार हर तरफ विकास हो रहे हैं,
और नए नए रोजगारों का सृजन हो रहा है, इससे तमाम लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। कहने के लिए मित्रों, इससे पहले भी सरकारें रहा करती थी, सिर्फ गुंडई हुआ करती थी, रोजगार नहीं मिलती थे, जब छिनती होती थी। आज पुत्र महाराज ने सुशासन उत्तर प्रदेश में दिया है, जिससे निर्भीक होकर के हमारे युवा साथी हमारी बहने दिन रात कहीं भी कहीं जाना हो रोजगार के लिए, चाहे कहीं नौकरी पर जाना हो, जा सकती है। ऐसे पुत्र महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। आदरणीय बहुत ही यशस्वी उत्तर प्रदेश को नई ऊर्जा प्रदान करने वाले, जिनका नाम भी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ है, जिस प्रकार से सूर्य पूरी सृष्टि को प्रकाशित करने का काम करता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी नाम के अनुरूप पूरे प्रदेश को ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। सतत विकास हो रहा है, सर्वत्र सुरक्षा का माहौल है, उद्यमी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश कर रहे हैं। और मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के, दुनिया के सब मुख्यमंत्री, सब शासनाध्यक्ष आज योगी मॉडल को देखना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार से, कोरोना का प्रकरण आया तो सबसे बढ़िया, सुरक्षा का व्यवस्था का नंबर वन, शासन व्यवस्था तो शानदार, और जिस विभाग का आज हमारा कार्यक्रम है वैसे शिक्षा कौशल विकास का, उसमें भी युवाओं को रोजगार देने की बात हो तो उसमें भी नंबर वन निश्चित रूप से तालियां बजाकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम सब लोग आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह जी, आदरणीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, हमारे साथ आदरणीय विधायक मंत्री रहे वर्तमान विधायक श्री राम चौहान जी, विधायक जितिन सिंह जी और प्रदीप शुक्ला जी, आदरणीय अमलेश पासवान जी, और यहाँ उपस्थित हमारे विभाग के समस्त अधिकारीगण और दूर दूर से आए सभी प्यारे बच्चों, मैं मुजफ्फरपुर से विधायक हूँ, मुजफ्फरपुर की ओर से भी आप सबको शुभकामनाएं प्रणाम करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा विभाग लगातार प्रगति कर रहा है। जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा कि बेटियां पढ़ें और बेटियां बढ़ें। उसके बाद 2017 में जब मुख्यमंत्री जी के पास प्रदेश की कमान आई तो युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए जिस प्रकार से लगातार उन्होंने चिंता की, निश्चित रूप से ये गोरखपुर की धरती जहाँ से उनकी कर्मस्थली है, उनको लगातार यहाँ से सांसद चुनने का मौका यहाँ के क्षेत्र की जनता ने दिया। हमारे पूज्य आदरणीय नरसिंहनाथ जी, श्री दिग्विजयनाथ जी, मेन अवेदनाथ जी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी, यानी ये पीठ जिसकी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इसका सम्मान है, उसके पीठाध्यक्ष के रूप में भी पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी सबकी चिंता करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारा विभाग लगातार युवाओं को ITI के माध्यम से भी और कौशल विकास के माध्यम से भी विभिन्न क्षेत्रों के अंदर प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। श्री शिव हरि आपके लिए आपका चयन हुआ है। चयन CSE अकेडमी MIS मैनेजर के लिए हुआ है। के लिए हुआ है। गीतांजलि शर्मा टेलीकॉलर के पद के लिए, अगले ट्रेनिंग टेक्नीशियन के रूप में का चयन मारुति सुजुकी के लिए हुआ है। मारुति सुजुकी स्थानीय रूप से यहाँ के बेरोजगारों को मारुति सुजुकी के लिए ट्रेनिंग टेक्नीशियन, ट्रेनिंग टेक्नीशियन के रूप में चयन हुआ है आपका।
श्री सुमित सुजुकी गोरखपुर में, सूरज यादव मारुति सुजुकी और सूरज है स्थानीय रूप से योजनाओं के अंतर्गत चेक मिल मोहम्मद जमशेद खान, श्री सनी शर्मा आटा चक्की के लिए, आज के इस बृहद रोजगार मेला कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, गोरखपुर की जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, हमारे माननीय विधायक गण श्री फतेहबहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर बिंदेश पासवान जी, सहजनवा से हमारे विधायक शुक्ला जी, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा श्री सुभाष चंद शर्मा जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी, और रोजगार मेला में आज यहां पर उपस्थित लगभग 136 देश की प्रतिष्ठित कंपनियों से जुड़े हुए उनके सीईओ, जनरल मैनेजर्स और अन्य अधिकारीगण, और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए हमारे सभी युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर आयोजित इस बृहद रोजगार मेले में हृदय से स्वागत करता हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर स्थापित इस तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रांगण में यह रोजगार मेला नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का एक आधार स्तंभ खड़ा होने जा रहा है, और उस दृश्य आज इस रोजगार मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पर जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के अंदर बागडोर संभालने के साथ ही देश के युवाओं, देश के परंपरागत उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों के
हुनर को पहचान देने के लिए अलग अलग प्रकार के भी कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। स्किल इंडिया अभियान हो, पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, मेक इन इंडिया का बृहद कार्यक्रम रहा हो, या स्वतः रोजगार के साथ और स्वयं के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने वाले युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम पहली बार देश के युवाओं को लगा, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को लगा कि सरकार हमारे बारे में भी सोचती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने राज्य के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 1,61,00,000 नौजवानों को विभिन्न उद्यमियों, विभिन्न एमएसएमई इकाइयों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के साथ जोड़ा, तो 60,00,000 हस्तशिल्पी और कारीगरों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए, बैंकों के साथ जोड़ने के बृहद कार्यक्रम को भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। और उसी का परिणाम था कि जहां 15-16 में उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 18% से अधिक थी, कोरोना कालखंड के इस भीषण चुनौती के बावजूद, जबकि उत्तर प्रदेश में 40,00,000 प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस भी आए थे, हम उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर को 2.7% तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहे हैं जिन योजनाओं के माध्यम से अपने युवाओं की ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश स्वयं ही अपने प्रदेश के लिए लेकर के उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के सामने कार्य कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लगता हो कि ये नौजवान क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा ये नौजवान ऊर्जा से, प्रतिभा से भरपूर है। जब भी इसको अवसर मिलेगा तो अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देगा। और उसके परिणाम भी आए हैं। 5 वर्ष में सरकार आपके प्रति जितनी सकारात्मक थी, आपकी प्रतिभा ने भी उसी प्रकार का सकारात्मक योगदान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दिया। 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 6वीं अर्थव्यवस्था थी, आज उत्तर प्रदेश देश की 2वीं अर्थव्यवस्था बनने को अग्रसर है। हम प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। और मैं इसीलिए कह सकता हूं कि अपने युवाओं के बल पर, अपने हस्तशिल्पियों के बल पर, अपने उद्यमियों के बल पर हम अपने उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाने के क्रम में उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, उसके लिए इस प्रकार के रोजगार मेलों की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और उसी में आज हम सब आपके बीच में आए। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, यानी डबल इंजन की सरकार मिलकर के तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं भी देख रहा था यहां पर जिन नौजवानों को हमने नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए हैं, किसी को मारुति सुजुकी में उपलब्ध कराया है, किसी को रिलायंस जियो में उपलब्ध कराया है, किसी को किसी अन्य में उपलब्ध कराया है, और वे सभी हंसते हंसते खुशी खुशी अपना नियुक्ति पत्र लेकर के
अपनी राह बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। सरकार रास्ता दिखा सकती है और सरकार के यही रास्ते हैं, पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, मेक इन इंडिया की योजना हो, पीएम मुद्रा योजना हो, या फिर राज्य के अंदर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, या विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, सरकार इन सभी कार्यक्रमों के साथ अपने युवाओं को, अपने हस्तशिल्पियों को, अपने कारीगरों को जोड़ने का कार्य कर रही है, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करके उन सभी युवाओं और हस्तशिल्पियों और कारीगरों के बल पर उत्तर प्रदेश को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य उत्तर प्रदेश सफलतापूर्वक विगत 5 वर्षों से आगे बढ़ा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज जब यहाँ पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी विगत दिनों आपने देखा होगा नई सरकार का गठन हुआ, मैं आप सभी युवाओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और सरकार बनते ही हमने सबसे पहला काम किया 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके उसके माध्यम से 20 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की संभावनाओं को उसके माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। और यही नहीं, हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जुड़ने के लिए अभी पिछले दिनों एक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ मिलकर के एमएसएमई विभाग ने प्रदेश के अंदर बड़े लोन मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 1,90,000 हस्तशिल्पी कारीगर और युवाओं को बैंकों के साथ सीधे लोन की सुविधा के साथ जोड़ करके उन्हें सस्ते दर पर लोन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, आज का समय इनोवेशन का है और हम सबको उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना होगा। मैं भी जब यहां कार्यक्रम के मंच पर आ रहा था, मुझे बाहर कुछ चीजें देखने को मिली, जिसमें गोरखपुर के, बुलहरिया और औरंगाबाद के परंपरागत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, यहां का टेराकोटा के जुड़े हुए कारीगरों की हस्तशिल्प को भी मुझे देखने का अवसर मिला, और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अपने युवा साथियों के द्वारा बनाए गए ड्रोन को भी मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी आज आपने देखा होगा, मैं विश्वविद्यालय को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि नेक की जो अभी रैंकिंग हुई है, इसमें इसे ये ग्रेडिंग मिली है, ये ग्रेड प्राप्त होना एक तकनीकी विश्वविद्यालय की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। मुझे लगता है इसमें और अच्छी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का हमें अवसर प्रदान करता है। मैं यहाँ के कुलपति जी को, यहाँ की उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि इससे भी बेहतर करने के लिए, और इससे बेहतर करने के लिए हमें इनोवेशन को, रिसर्च को, स्टडी पेपर को और लोकल आवश्यकता के अनुरूप रोजगार सृजन के लिए अपने युवाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय के मंच का उपयोग हमें उपलब्ध करवाना ही होगा। और इस दिशा में जो उन्होंने प्रयास किया है, ड्रोन 20 किलो का सामान लेकर ड्रोन जा सकता है 1 एकड़ खेत में, अगर उसे कोई पेस्टिसाइड छिड़काव करना हो, मात्र 7 मिनट में 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर सकता है। एक किसान अगर अपने कंधे में जब टांग करके जाता है तो उसको 1 एकड़ खेती के में दवाई छिड़काव में 1 दिन लग जाता है। कितनी बार जाएगा वो छिड़काव करते करते, दूसरा उसके स्वास्थ्य पर कीटनाशकों का जब अपने हाथों से छिड़काव करेगा कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। सोचिए, जिस कीटनाशक से खतरनाक कीड़े मर जाते हैं और मनुष्य जब उसको अपने हाथ से छिड़काव करता होगा, आखिर श्वास तो वो भी ले रहा है ना, उसके कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन हमारा किसान भाई इसको करता रहा है, लेकिन अब तकनीक आ गई, अब हम ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करेंगे, यह भी इनोवेशन हो चुका है। और अभी यहाँ के युवा साथियों ने उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है, और मैंने इसीलिए कहा
कि कृषि विभाग के साथ आप अपना एमओयू करिए, कृषि विज्ञान केंद्रों को हम आपके माध्यम से ड्रोन सस्ते में उपलब्ध करवा देंगे और फिर आपका आपको आपके प्रोजेक्ट का पैसा भी मिल जाएगा, कुछ नौजवानों को अपना हुनर दिखाने का भी अवसर मिल जाएगा और किसान के लिए भी आसान हो जाएगा कि कोई भी पेस्टिसाइड उनको छिड़काव करना तो ड्रोन के माध्यम से वो पूरे खेत में छिड़काव कर लेगा और फसल भी उसकी सुरक्षित हो जाएगी। ऐसे अलग 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 कार्यक्रम में यहाँ पे देख रहा था, ये सभी चीजें दिखाती हैं कि करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को कहा कि यूथ को और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात को कह रही है, जिस राष्ट्रीय शिक्षा को प्रधानमंत्री जी ने 2020 में पूरे देश के अंदर लागू किया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हम छात्रों को स्कूली शिक्षा के दौरान ही अलग अलग संस्थाओं के साथ उसे जोड़ने का कार्य करें। और मैंने खासतौर पर व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चाहे वह ITI के हों, पॉलिटेक्निक के हों, इंजीनियरिंग कॉलेजेस या विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं हों, इंडस्ट्री के साथ पहले दिन से उसका जुड़ाव हो जाए, मेडिकल और पैरामेडिकल से जुड़े हुए, नर्सिंग से जुड़े हुए जो हमारे प्रशिक्षु हैं उनको पहले दिन से ही हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से पहले दिन से उसको आप जोड़ दीजिए। ये फील्ड ऐसे जितना उसके पास अनुभव होगा उतना ही वह अपने आप को उतना ही मजबूत पाएगा। और मुझे लगता है वह समय आ चुका है जब हम अपने युवाओं के लिए ये मंच उपलब्ध करवाने का कार्य करें। हम लोगों ने तय किया है, वर्तमान में हमारी सरकार, राज्य की सरकार एक अभियान चला रही है, एक कार्यक्रम तो हम पहले से चला चुके हैं, जो तकनीकी दृष्टि से इस प्रकार के दक्ष युवा हैं उनके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप की योजना प्रारंभ की है। फाइनल ईयर के जो बच्चे होंगे, जो युवा साथी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इंडस्ट्री को दे रहे हैं। हमने कहा कि हम उसको CM अप्रेंटिसशिप की योजना के साथ लेंगे और CM अप्रेंटिसशिप की योजना के अंतर्गत कुछ पैसा इंडस्ट्री उसको देगी, कुछ पैसा राज्य सरकार उसको देगी, वो अपना खर्चा स्वयं भी निकाल सकता है और साथ साथ अपनी पढ़ाई को और अपने प्रोजेक्ट के कार्य को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकता है। वर्तमान में हम लोग एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों का हम लोगों ने चयन किया। पहले चरण में 100 विकास खंड, फिर दूसरे चरण में 100 नगर निकाय का हम चयन करने जा रहे हैं और इन सभी नगर निकाय हो या विकास खंडों में एक एक नौजवान को मुख्यमंत्री फेलोशिप के रूप में हम वहां पर तैनात करने जा रहे हैं, जो राज्य सरकार की इन योजनाओं के प्रति हर दिन उसको हम टैबलेट देंगे, वहां हर दिन उसके लिए हम आवासीय सुविधा भी देंगे, उसको एक मानदेय भी देंगे और उसको हम कहेंगे कि आपको इन इन योजनाओं की प्रतिदिन जाकर के विजिट करके इसको अपडेट करना है, उसको अपलोड करके हमें उपलब्ध करवाना है, जिससे हम उस विकास खंड के प्रगति के बारे में जानकारी ले सकेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों के लिए तत्काल प्रारंभ होने जा रहा है और 100 विकास खंडों के बाद हम इसको नगर निकायों के साथ भी जोड़ना चाह रहे हैं। एक बड़े कार्यक्रम के साथ हम आ रहे हैं और वह कार्यक्रम है प्रदेश के अंदर हर परिवार की स्किल मैपिंग, हर परिवार की। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने परिवार होंगे उस हर परिवार की मैपिंग होगी कि वह परिवार शासन की किन किन योजनाओं को प्राप्त कर रहा है, नंबर एक। दूसरा, उस परिवार के साथ कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है या जो लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और कितने ऐसे परिवार हैं जिनको कहीं से भी न सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है और न ही कोई रोजगार या नौकरी ही प्राप्त हुई है। ये सभी हम एक साथ जोड़ करके कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और जैसे हमारे पास डाटा आएगा आप देखना जितने बचे हुए ऐसे परिवार होंगे जिस परिवार को शासन की कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो रही लेकिन वह उस निडी है, उस किसी एक आवश्यकता के लिए उसकी आवश्यकता है, सरकार उसके लिए स्पेशल कार्यक्रम चलाएगी, उस परिवार को भी इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। उन परिवारों को हम चिन्हित करने जा रहे हैं
जिन परिवारों को कोई नौकरी कोई रोजगार या स्वरोजगार कभी नहीं मिला है और कुछ भी उनके पास नहीं है, उन परिवारों को किसी एक सदस्य को रोजगार के साथ जोड़ने के बृहद कार्यक्रम के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और इस प्रकार का बृहद रोजगार मेला उस अभियान के लिए एक आधार का काम करेगा। आज 136 कंपनियों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं जो आपको रोजगार पत्र यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। आज के अवसर में हमने लक्ष्य रखा है कि गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो और 10,000 नौजवानों के लिए रोजगार मेला यहाँ पर उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास के साथ साथ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से एमएसएमई विभाग के माध्यम से साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को हम लोग सेवायोजन विभाग इसके साथ जुड़ा हुआ है, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग जुड़ा हुआ है, ये सभी कार्यक्रम हम एक साथ जोड़ करके बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों की इस ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी नौजवानों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी नौजवान हिम्मत से काम लीजिए, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं, अपने स्किल को जितना अच्छा डेवलप आप कर सकते हैं उस दिशा में हमारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। जिन लोगों ने स्नातक की डिग्री ले ली है वे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानकारी दें, टाइपिंग सीखें, क्लेरिकल जॉब में जो जाना चाहता है थोड़ा शॉर्ट हैंड का जानकारी भी ले ले। बहुत सारी बहुत अवसर है, अवसरों की कमी नहीं है, हम अपने आप को तैयार करें और सरकार उस प्रकार के पाठ्यक्रम तकनीकी संस्थानों में व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों में पॉलिटेक्निक में महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में इंटर कॉलेजेस में उस प्रकार के पाठ्यक्रम को लेकर के भी आ रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके लिए एक बेहतर मंच भी प्रदान कर रहा है। मैं एक बार फिर से इस बृहद रोजगार मेला के लिए आप सबको बधाई देता हूं। मैं यहाँ के प्रशासन से और तकनीकी शिक्षा विभाग से कहूंगा हर जनपद में इस प्रकार के रोजगार के मेले लगने चाहिए। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक का क्रम तेज होना चाहिए और हर एक स्तर पर इस कार्यक्रम में जितनी तेजी हम ला पाएंगे उसके उतने बेहतर परिणाम आएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, कुछ ही दिनों में हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। मैं आप सबसे भी अपील करूंगा 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा के साथ हम सब जुड़ेंगे। हर घर तिरंगा भारत के आन बान और शान का प्रतीक, भारत के अमर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने और भारत के आजादी के महोत्सव के साथ प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। हम सभी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।